नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। आगामी 1 मई से पटुआ डांगर से हल्द्वानी जाने वाली गाड़ियों को वन वे संचालित किया जाएगा। बता दें कि जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त, उप जिलाधिकारी, सीओ और लोक निर्माण विभाग को पटुआ डांगर स्थान का मोड़ चौड़ीकरण करने और अन्य आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नैनीताल शहर में यात्रियों को आने से पहले पंजीकृत होटल और होम स्टे का ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और पर्यटन सीजन के दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने राज्य अतिथि गृह नैनीताल में संबंधित अधिकारियों, पुलिस और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक ली। वहीं बैठक में अधिकारियों और व्यापारियों के पदाधिकारियों द्वारा पर्यटन सीजन में यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए अपने अपने सुझाव में विचार रखे ताकि पर्यटन सीजन सुगम चल सके। श्री गब्रियाल ने पुलिस विभाग को निर्धारित यातायात रूपरेखा तय करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में नैनीताल शहर में लगभग 270 होटल और 80 होमस्टे पंजीकृत हैं। जिलाधिकारी ने पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शहर के सभी संचालित होटलों और होम स्टे का तत्काल पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें और उनकी सूची संबंधित निर्धारित 3 स्थानों पर यात्रियों की सुविधा हेतु साइन बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सूची को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर करना भी सुनिश्चित करें और पंजीकृत होटलों में पार्किंग की व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि रूसी बाईपास और उनके दोनों ओर सीसीटीवी कैमरे, शौचालय साफ सफाई, विद्युत, पानी की शीघ्र ही व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। वहीं जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त, सीओ नैनीताल और उप जिलाधिकारी को रूसी बाईपास व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने सोलर लाइट लगवाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को मुख्य मोड़ पर मिरर लगाने के साथ ही नैनीताल से हनुमानगढ़ी पर अवैध रूप से रेता बजरी को हटाने के निर्देश दिए हैं।